नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक तापमान बढ़ता ही जा रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए और भागलपुर वासियों का सबसे बड़ा हिमायती बनने की होड़ लगी हुई है। यह पहली बार नहीं है कि चुनाव से पहले भागलपुर के विकास की बात हो रही है। इससे पहले भी पिछले कई सालों से भागलपुर के विकास की बात हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत किसी से छिपा नहीं है। वर्षों से जो भागलपुर में चुनावी मुद्दा रहा है, पहले वो हम आपको बता देते हैं। भोलानाथ पुल, हवाई सेवा, जाम की समस्या, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। और आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में मौजूद हैं वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रहे भाजपा नेता गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, काफ़ी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से आप सक्रिय रहे हैं और खबर ये है, चर्चा ये है कि आप भागलपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भागलपुर का भाइयों का भाई हूँ और माता बहनों का मैं बेटा हूँ। पार्टी अगर मुझे मौका देगी कहीं से भी, तो मैं ज़रूर प्रयास करूँगा राजनीति में आने। सर, जब भी जिले में आपदा आई है, चाहे वो कोरोना काल हो या बाढ़ की आपदा हो, आप हमेशा से जनता के बीच रहे हैं। कहलगांव, पीरपैंती, बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर, सभी जगहों पर आप सक्रिय रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने मदद का संजाल फैलाया है, इसमें कितना सियासी लोभ छुपा हुआ है? आप इसको सियासी लोभ ना बोलें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा लोभ भागलपुर का विकास और भागलपुर में लोगों के जो कष्ट हैं उस बीच में शरीक होना मेरा उद्देश्य रहा है। और सियासी, देखिए, कोई भी समाज सेवा के रूप में आप समाज का सेवा करते हैं, समाज सेवी बनते हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं समाज सेवी हूँ। मैं जनता के, जो भागलपुर के जो मेरे भाई बंधु हैं, उनके साथ कदम में कदम मिला के उनके दुख सुख में खड़ा होने का प्रयास करता हूँ। और इसीलिए कहीं भी, जब भी आपदा आती है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ पहुँचूँ और उनके साथ दुख बाँट सकूँ। बाँटने को सिर्फ यही हो सकता है, देने को बहुत कुछ है। उस देने के क्रम में अगर कहीं ना कहीं आप इसको सियासी बोल सकते हैं कि भाई मैं पार्टी का झंडा लेके काम कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा तभी हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बुलंद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना, उसको आप खासकर भागलपुर क्षेत्र में जमीनी स्तर पर उतारने में आपने बहुत बड़ा पहल करा था और आपने उतारा भी। मेरा प्रयास रहा, मैंने सिर्फ प्रयास किया कि केंद्रीय योजना की, क्योंकि मैं प्रदेश मंत्री के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उस समय था और मेरा प्रयास था उसमें कि जितने भी योजना हैं उसमें उनका प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना साकार हो जाए और जन जन तक, गरीबों को इसकी जानकारी हो, जन जागरण हो। मैंने इसलिए उसमें जो CSC काम कर रहे थे उनको मैंने बुलाया, मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं आपको जहाँ भी आप बोलेंगे वहाँ व्यवस्था दे दूंगा, लेकिन आप घर जाकर गाँव में बैठ के पंचायत स्तर पर जाके आप कैंप लगाइए और उनका जो भी आयुष्मान कार्ड है उसको बनाने की प्रक्रिया कीजिए। वो प्रक्रिया के कारण लोकसभा से पहले मैंने किया, पीरपैंती में भी किया, कहलगांव में भी किया, भागलपुर में भी किया, नौगछिया बीपुर विधानसभा में भी किया। तो मेरी प्रयास यही रही कि जन जन तक ये पहुंच सके और अभी भी मेरी ये प्रयास है कि जो भी केंद्र योजना है उसको हम जनमानस तक जन जागृत करके और अपनी व्यवस्था के स्वरूप बना के पहुँचाएँ। योजना तो खैर आपने पहुंचाया ही और उसके साथ खासकर आपदा में आपने जनता के बीच रहा, मदद भी करा जनता की, तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच आप विधायक बनने का सपना तो देख ही रहे होंगे। बोल सकते हैं आप, लेकिन आप देख, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आपने एक प्रश्न किया कि समाज सेवा आप कर रहे हैं, तो समाज सेवी का दूसरा रूप राजनीति है। राजनीति में आना जो है, तब आप जनता के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने समाज के लिए, अपने भागलपुर के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आप एक विकास का धारा जो बहाना चाहते हैं, वो जब तक आप एक राजनीतिक पद पे या संवैधानिक पद पे नहीं बैठते आप उस व्यवस्था को बना नहीं सकते। तो उसके लिए आवश्यकता है कि अपने भागलपुर के जो सपना सब लोगों ने देखा है भागलपुर का, जो यहाँ की युवाओं ने सपना देखा है भागलपुर के लिए, वो सार्थक करने के लिए कहीं ना कहीं उस पद की जरूरत है। तो वो प्रयास रहेगा, पार्टी अगर मौका देगी तो प्रयास रहेगा। आप
आपका जो काम रहा है क्षेत्र में, एक समाज सेवी के तौर पे लोग आपको बेहतर जानते हैं, फिर नेता क्यों? मैं समाज सेवा के रूप में और समाज सेवी के रूप में भी नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ की जनता और यहाँ की युवा भाइयों के बेटा और भाई बन के रहना चाहता हूँ। और नेता, मैंने पहले भी बोला अभी आपको कि समाज सेवा अगर आप कर रहे हैं, उसको अगर आपको ज़मीन पे उतारना है, कुछ करना है अपनी युवाओं के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने शहर के लिए, तो आपको कुछ न कुछ ऐसे पद पे, संवैधानिक पद पे रहना होगा जिसकी आवश्यकता है। उसके लिए शायद इस पद की आवश्यकता हो, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बिहार की जो राजनीति है वो जाति से अछूती नहीं है, ऐसे में आप खुद को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, आज यह कहना बहुत आसान होगा कि राजनीति में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के काम के बल पे हम लोग ऊपर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिपाही, एक एक नेता, उनके काम के कारण, आज उनकी सोच के कारण, एनडीए गठबंधन की सोच के कारण, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सोच के कारण, कहीं ना कहीं जाति से ऊपर उठ के हम लोगों ने देखा कि वोट हुआ। 2000 अभी अब लोकसभा की इलेक्शन में ही देख लेंगे कि इतनी मतों से हम जीते। पुराने जितने भी कार्यकाल के पड़े हुए पेंडिंग वर्क्स थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, गृहमंत्री जी का यह स्नेह और यह चिंता थी अपने देश के प्रति कि उन्होंने वो पूरे बीते हुए जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य थे, राम मंदिर आप देख लीजिए, कश्मीर दो निशान था, आज वहाँ एक निशान है, तो ये सब खत्म हो रहा है। और जाति भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुद्दा नहीं रहेगा बिहार में भी, ठीक है, अभी है, कहीं थोड़ा बहुत होगा, ये मैं इनकार नहीं करता। आने वाले समय में यानी आगामी चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी, जिसके आप कार्यकर्ता भी हैं, अगर वो आपको टिकट दे भी देते हैं, तो आपके यहाँ पर भागलपुर विधानसभा सीट से, तो आपके जो प्रतिद्वंद्वी होंगे, जिससे आपकी लड़ाई होगी, वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी कह सकते हैं और कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा से आपकी लड़ाई होगी? देखिए, मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति से नहीं होगी। मैं यहाँ पे जो भी पार्टी से मुझे अगर टिकट मिल गई, भारतीय जनता पार्टी से मुझे अगर टिकट मिल गई और मैं अगर उम्मीदवार बना, तो मैं यही मानता हूँ कि लड़ाई रहेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे पूरे पार्टी की झंडा इतनी बुलंद है भागलपुर विधानसभा और भागलपुर के लोकसभा क्षेत्र में, जो मुझे दिख रहा है वो कहीं लड़ाई दिखेगी भी नहीं। रही बात उनके राजनीतिक सोच की और एक्सपीरियंस की, उम्र से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, अनुभव काम करने से होता है, और क्षेत्र में लगातार मैं लगा हुआ हूँ और रहूँगा, पार्टी मौका देगी तो मजबूती से हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद भी करेंगे। आम बोलचाल में एक कहावत है कि नेताओं के वादे और दावे तो होते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर भागलपुर से आपको टिकट दिए, पार्टी टिकट देती है और आप यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, तो प्राथमिकताएँ क्या रहेगी? देखिए, वादा तो हमेशा टूट जाता है, इसलिए मैंने कभी भी क्षेत्र में या अपने पूरे भागलपुर लोकसभा का जो कार्य क्षेत्र रहा, उसमें मैंने वादा कभी नहीं किया। पूरी मेरी बैकग्राउंड को भी अगर आप देखेंगे, तो मैंने काम करने का कोशिश किया, मैंने कभी टिप्पणी और किसी पे निंदा या किसी को उछालने का काम नहीं किया। पार्टी का जहाँ भी जो कार्यक्रम है उसको बनाने का काम किया, और वादा करने से बढ़िया है कि मैं रिजल्ट पे काम करूँ। और जो भी, मैं ये इतना ही बोलूँगा आज आपके चैनल के द्वारा, इतना ही बोलूँगा भागलपुर जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी युवा अब आएंगे, चाहे मैं आऊँ, कोई भी युवा आएंगे, उनकी सोच ये रहेगी कि भागलपुर में पड़े हुए जितने भी पेंडिंग कार्य हैं, जो जनता चाहती है कि पूरा हो, उसको मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसको पूरा करूं। मैं किसी एक पॉइंट पे नहीं बोलूंगा कि ये ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, हाँ, लेकिन भागलपुर में कुछ बदलाव लाना जरूरी है और वो लाने का मैं प्रयास करूंगा, जिससे जनता यहाँ सुख में जी सके। एक सवाल जो है वर्तमान के जो परिदृश्य है, जो हमारा चर्चा है, इससे हटके है, लेकिन सवाल ये इसलिए है क्योंकि आपके साथ आपकी जो पार्टी है भाजपा, उनके साथ जदयू गठबंधन में है, और यहाँ से जदयू के सांसद अजय मंडल हैं, और उनकी जो अभी तक की कार्यशैली रही है, यानी कि लगभग जीतने के 1.5 साल होने को हैं, तो कहीं लगता नहीं लगता है कि आपको यहाँ से अगर पार्टी टिकट देती है और आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि पर ये चीज़ मैटर करेगा? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी के साथ जदयू गठबंधन में है।
देखिए, आप एग्जामिनेशन तो बढ़ते ही होंगे, आप भी कभी एग्ज़ाम दिए होंगे, आपके साथ जो क्लास में और भी बच्चे रहे होंगे जो मान लीजिए कहीं पे कुछ कमी रही होगी उनमें, वो भी एग्ज़ामिनेशन दिए हैं, तो उनके मार्कशीट और आपके मार्कशीट अलग आए होंगे। क्यों आए होंगे? क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर आपको मार्कशीट मिला, जो उनका परफॉर्मेंस था उनको मार्कशीट मिला। यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम दोनों का मार्कशीट हम लोगों को मिला और मिलेगा। सब जारी, जितने भी अपने एनडीए के गठबंधन से जो आज प्रत्याशी जीते हैं उनको आप देखेंगे कि इतने मतों से, रिकॉर्ड मत से, आज तक भागलपुर लोकसभा का ये रिकॉर्ड मत है कि उनको जिताया गया। तो भागलपुर हो या कोई बिहार का कोई कोना का लोकसभा और विधानसभा हो, वो आज नरेंद्र मोदी जी को देख रहा है, वो उनको देख रहा है। हम यही मानते हैं कि हमारा जब चांस आएगा तो मेरे मार्कशीट को देखते हुए, मेरे परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे मार्क्स दिया जाएगा और जनता देगी उसका, और आप भी उसमें शरीक होंगे। अपने क्षेत्र के लिए आप एक बेहतर समाज सेवी और अपने पार्टी के लिए आप युवा नेता, तो राजनीति में युवाओं की भागीदारी कितनी अहम है? राजनीति हो या कोई क्षेत्र हो, युवा आएगा तभी बदलाव आएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है न्यू इंडिया, ये न्यू इंडिया का सपना, नए भारत का सपना तभी साकार होगा जब नई सोच और नई युवा आए जुड़ेंगे। इसलिए राजनीति में चाहे किसी भी क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। कम शब्दों में आपका आखिरी सवाल होगा और कम शब्दों में हम आपसे जवाब चाहेंगे कि भागलपुर की जनता यानी आपके क्षेत्र की जनता जो है उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चिड़िया को फंसाने के लिए जाल फिर आएगा, फिर पार्टी आएगी और कहेगी कि भाजपा ने क्या किया, एनडीए ने क्या किया। आप उन पे ध्यान ना दें, आप 15 साल पुराना इतिहास याद करें और आज 15 साल के बाद का समय याद करें। एनडीए के गठबंधन ने बहुत ही कम समय में कुछ दिया है बिहार को। इस कोरोना महामारी के समय में जिस तरह पूरा एनडीए, बीजेपी और भाजपा के सारे नेता लोग और सारे कार्यकर्ता लोग लगे हुए थे, उसको याद रखें और उसके काम को याद रखें और उसी मत पे विधानसभा आने वाले 2020 में मत दें और एनडीए को मजबूती से जिताएं, यही मेरी आस उनसे याद रहेगी। चर्चा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर आपने जो क्षेत्र की जनता, आपदा के समय में आपने क्षेत्र की जनता की सेवा की है, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ थे भाजपा में सक्रिय, बरसों से सक्रिय रहे गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव। और आपका भी अगर कोई सवाल हो बंटी जी से तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कीजिए। जब भी मैं कभी इनसे साक्षात्कार के लिए जाऊंगा या फिर ये स्टूडियो आते हैं तो आपका जो सवाल है वो हम इनके तक रखने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।